नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में गैंगवार के चलते अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस दौरान चार लोगों को गोली लगी है। चारों को जग प्रवेश चंद अस्पताल से जीटीबी रेफर किया गया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। घटना सोमवार रात 9 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने छैनू गैंग के शूटर्स पर फायरिंग की। वहीं जाफराबाद गली नंबर 38 में अरवाज और उसका भाई अपने दोस्तों के साथ घर के नीचे बैठा हुआ था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में चार लोगों को गोली लगी है। जिन युवकों को गोली लगी है उनमें तीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है। अरवाज दो दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। अरवाज के अलावा हमजा, अब्दुल हसन और समीर खोपड़ को गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि अरवाज और समीर खोपड़ को कमर में गोली लगी है, जबकि अब्दुल हसन की जांघ में गोली लगी है, जबकि हमजा के सीने में गोली लगी है। सभी का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस गोलीकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।